अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको थोड़ा सा हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके बारे में बताते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और हमारी मैनेजेबिलिटी कितनी बेहतर हो गई है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं कि हमने ब्रूडो पहले बनाने का तरीका बताया था, ये किस तरह बनता है, और इसके अंदर हमने एक तो वाटर निपल्स यूज़ किए थे जिसका फ़ायदा भी बताया था कि पानी को गंदा करने वाला और इनके पास पानी अवेलेबल रहता है साफ़ सुथरा, और ये फीडर के लिए ये यूज़ किए हैं, इसको ख़राब नहीं करते, छोटे बच्चे होते हैं वो ट्रे वगैरह में ख़राब करते हैं, अंदर बीट कर देते तो वो चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अभी हमने इसके नीचे ना जाली यूज़ की है, उसका फ़ायदा ये है कि जो ये बीट करते हैं वो इनके पाँव को चिपकती है और गंद होता है, स्मेल होती है, तो अभी ये वाला काम इस जाली के साथ नहीं हो रहा। अच्छा, जाली की थोड़ी सी हमने यूज़ की है जिसको PVC कोटेड हुई है, इसका फ़ायदा ये है कि इसको रस्ट वगैरह भी नहीं लगता और ख़राब भी नहीं होती। और सारी बीटें आप देख रहे होंगे कि कुछ भी जाली बिल्कुल साफ़ है, इसको तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तो क्वांटिटी थोड़ी है, लेकिन अगर 25-30 भी हों या 50 भी हों तो आपके 2 दिन ये एक दफ़ा है। और इसको हम पूरे को उठाते हैं, ये पूरे का पूरा उठ जाता है, इसको साइड पर रखते हैं, नीचे से अखबारें चेंज कर देते। अच्छा व्यूअर्स, इसको ना साफ़ करने के लिए बहुत इजी सा है कि इसके नीचे से गंद वगैरह सारा साफ करने के लिए ये भी मैं नॉर्मली उठा के ना साइड में कर देता हूँ, इसको मैं पूरे को ये जो जी पूरा है ना इसको मैं उठा के ना आपको। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं इसको बल्कि साइड पे किया है और इसके नीचे जो पेपर्स हैं वो चेंज कर लेता हूँ साइड पे, इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे पीसीज हैं ताकि ये थोड़ी साइड हो जाए, इनको मैं साइड पे कर देता हूँ, ये देखें बिल्कुल क्लीन है, नीचे सारा गंद चला जाता है। तो ये इस तरह ये थोड़ा सा अगर ब्रूडर में कर लिया जाए तो मैनेज होना ईजी हो जाता है। अब जैसे गर्मी आ रही है अभी तो मैंने नीचे साइडों पर ना इसके ये प्लास्टिक के शॉपर लगाए हुए हैं, अदरवाइज ये भी नहीं ज़रूरत है, गर्मियों में थोड़ी सी हवा की सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाती है, थोड़ा सा हवा भी ठंड है तो हवा की क्रॉसिंग के लिए नीचे से बंद किया हुआ, उसके अंदर लफाफे वगैरह फंसाए हुए ताकि हवा की क्रॉसिंग ना हो सके। तो इस तरह ये हमारी जोंसी है, इसकी एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर हो जाता है। अभी ये ड्रिंकर लटकाया हुआ है, इसमें पानी नहीं, हमें अभी इसी के साथ दे रहे हैं, ये जी आपको दिखाया था ये पानी है इसके अंदर पाइप बोतल के अंदर, ये अगर आप 50 रखे तो इस तरह के 2 से 3 निप्पल बहुत होंगी, और ये फेस 3 से 4, इसमें 50 आ जाते हैं, ये 2.5 फुट का है तकरीबन, ये इसका राउंड जो रेडियस है वो 2.5 फुट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बाकी आपके लिए भी कुछ हमने एक पिंजरा भी इनका और बनाया है, वो भी दिखाते हैं, वो भी इस जाली के साथ है और उसके अंदर भी ये गंद का और वो सारी चीज़ों का काफ़ी बेहतर है, वो भी आपको दिखाते हैं कि वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि कैसे बनाया है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके अंदर रोलिंग नेस्ट भी लगाया है, वो भी सारी चीज़ें आपको डिटेल में देंगे।